हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में कि फैंटेसी स्पोर्ट्स क्या है, कैसे वर्क करता है, इसे कौन खेलता है एंड क्यों खेलता है, इसको हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो फैंटेसी स्पोर्ट्स एक ऑनलाइन गेम होता है जिसमें आप रियल स्पोर्ट्स प्लेयर की एक वर्चुअल टीम बनाते हो अपने हिसाब से। पार्टिसिपेंट्स को गेम के रियल लाइफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं। जितना अच्छा आपका चूज किया हुआ प्लेयर रियल लाइफ में परफॉर्म करता है उतने आपके पॉइंट्स होते हैं। एक तरह से ये स्पोर्ट्स की नॉलेज को इंसेंटिवाइज करता है क्योंकि इसमें एज अ पार्टिसिपेंट एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए प्लेयर्स और टीम के बारे में रियल अवेयरनेस एंड नॉलेज होना जरूरी है, लाइक देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड प्लेइंग कंडीशंस एटसेट्रा। फैंटेसी स्पोर्ट्स उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स फैंस होते हैं, स्पोर्ट्स को क्लोजली फॉलो करते हैं, उनके लिए एक कोच बनने के रोल प्ले करने जैसा है जिसमें अपनी फैंटेसी टीम बनाने के लिए प्लेयर्स को रिक्रूट, ड्रॉप एंड ट्रेड करने की पावर उन्हें मिलती है, जो एक तरह से उनके लिए स्पोर्ट्स को और एंगेजिंग बना देता है। इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स में मेजर ऐप्स हैं लाइक ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, एमपीएल एटसेट्रा, और हमारे देश के कोर्ट्स ने भी इसको मान्यता दी है क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। सबसे पहले यूजर्स को अपनी फैंटेसी टीम क्रिएट करने के लिए लिमिटेड वर्चुअल बजट जो कि 100 credits होता है वो मिलता है। ये बजट सभी के लिए एक ही होता है। इस बजट के अलावा और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो यूजर्स को फॉलो करने होते हैं। जैसे वो सेम टीम से सिर्फ कुछ नंबर ऑफ प्लेयर्स ही चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टीम के सारे प्लेयर चूज कर लिए, या फिर प्लेयर्स अलग अलग प्रोफाइल के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे बैटर चूज कर लिए या सारे बॉलर्स, मिक्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए जैसा कि रियल टीम में होता है। अब कॉन्टेस्ट में एंटर करने के लिए यूजर्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं, फ्री टू प्ले या पेड कॉन्टेस्ट, और सेकेंड वाले में यूजर्स को टीम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। टीम क्रिएट करने के बाद यूजर्स के पास दो तरह के कॉन्टेस्ट में एंटर करने की चॉइस होती है, पब्लिक कॉन्टेस्ट एंड प्राइवेट कॉन्टेस्ट। पब्लिक कॉन्टेस्ट मैक्रो स्केल कॉम्पिटिशन होता है जिसमें पूरी कंट्री के यूजर्स एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करते हैं, और प्राइवेट कॉन्टेस्ट में यूजर्स के पास एक मिनी लीग क्रिएट करने का ऑप्शन होता है सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एक तरह से ये एक क्लोज ग्रुप सोशल एक्सपीरियंस बन जाता है जहाँ फ्रेंड सर्कल्स एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं एंड अपने स्कोर भी ट्रैक कर सकते हैं। यूजर्स को फिर लास्ट में मैच कंप्लीट होने के बाद उनके टीम के परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंकिंग मिल जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फैंटेसी स्पोर्ट्स की जो ऐप्स हैं ये इतना इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं तो ये कहाँ से अर्न करते हैं, इनका मॉडल क्या है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो पे टू पार्टिसिपेट वाला फॉर्मेट है उसमें से ये कुछ परसेंटेज एंट्री फी चार्ज करते हैं जो ये एज अ प्लेटफॉर्म फी रख लेते हैं, और बाकी का जो अमाउंट है वो कॉन्टेस्ट के प्राइस पूल में चला जाता है। तो इन कंक्लूजन, जैसा कि हमने समझा, फैंटेसी स्पोर्ट्स पर्सन की स्पोर्ट्स की नॉलेज एंड अवेयरनेस पे बेस्ड है, तो ये स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस करने का एक एंगेजिंग वे है। फैंटेसी स्पोर्ट्स को बहुत सारे स्पोर्ट्स लीग द्वारा यूज किया जाता है फैंस के स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे आईपीएल, आईसीसी, एनबीए, पीकेएल सभी ने फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनर किया हुआ है। फैंटेसी स्पोर्ट्स में बहुत सारे टीम बेस्ड स्पोर्ट्स इंक्लूड होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल एटसेट्रा। तो एक तरह से इससे अलग अलग खेलों की स्पोर्ट्स लवर्स में इनडायरेक्टली अवेयरनेस भी इंक्रीज होती है और उनकी व्यूअरशिप भी कहीं ना कहीं इससे इंक्रीज होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।